हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द एनटीए 2019 पेपर। हम एनटीए का दिसंबर का 2019 का पेपर है गाइस, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं और आज हम भाग 3 है उसका कवर करेंगे। क्वेश्चंस हमारे होंगे 40 to 60। क्वेश्चन नंबर 40 to 60 जो है उसको हम अभी अब कवर अप करने वाले हैं गाइस। ठीक है एवरीवन, क्लियर? तो आई होप आपने 40 तक क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन कर लिया होगा। 40 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। आज हम 40 to 60 जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में ये मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल का लिंक है, तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। उसके बाद में अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को डिटेल से करना चाहते हैं, तो रेफरल कोड शिव10 है, अप्लाई कीजिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिंगल सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके इसमें तैयार होंगे। अभी रिसेंटली आज से ही आपका एक नया बैच है वो शुरू हुआ है। 10 AM पे आपकी डेली क्लासेस होती हैं, तो आप जिसको भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। ये आपके प्लान से 24 मंथ, 12 मंथ रेफरल कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट यहां से मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, और आपकी फीस है 14,500 से हो जाएगी 13,050। देन गाइस आइकॉनिक ज्वाइन कीजिए, 24 मंथ, 12 मंथ रेफरल कोड लगाएंगे, वहीं आपको 10% यहां से डिस्काउंट मिलेगा और जो फीस है आपकी 26,000 वो हो जाएगी 23,400। उसके बाद में ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं प्लस एंड आइकॉनिक में, लेकिन ज़्यादा फायदा आपको आइकॉनिक में होगा क्योंकि यहाँ से आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन ये सब मिलता है। ये बैच कोर्सेज हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद में ये आपका शेड्यूल है गाइस ऑन द अनअकैडमी एंड यूट्यूब, और अनलॉक कोड है मेरा शिव10। तो अगर आप स्पेशल क्लासेस लेते हैं गाइस तो इस अनलॉक कोड को लगा के आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको फ्री PDF और फ्री क्लासेस हैं वो अवेल हो जाएंगे। उसके बाद में ये सारी की सारी आपकी क्लासेस हैं गाइस, है ना, और आपका पेपर 1 की क्लासेस हैं जो कि 4 PM पे होती हैं डेली, उन क्लासेस को आप लीजिए। उसके बाद में आपका ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए, उसके बाद में सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो शुरू करें एवरीवन, तैयार हैं सब लोग? एक बार आप सब लोग गाइस शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, फटाफट से एक बार आप सब लोग लाइक और शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, तो एंड थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा गाइस आज, है ना। बताइए, अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक रिकॉर्ड हु अमोंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ एंशियंट इंडिया वर एकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन? खारवेला, हर्षवर्धन, रुद्रदामन और समुद्रगुप्त, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुने, ANC, ANDE, BNC या CND। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है, मोस्ट ऑफ द पीपल BOD आंसर कर रहे हैं। संदीप का डी है, शिवम डी, चलो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी बी, ANDE। एक तो खारवेला, एक समुद्रगुप्त, ये दो हैं गाइज जो कि क्या है, म्यूजिशियन थे। खारवेला एक म्यूजिशियन है और आपका समुद्रगुप्त, खारवेला ऑफ कलिंग, ठीक है, समुद्रगुप्त जो कि गुप्त डायनेस्टी के शासक रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके क्या रहे हैं, रिनोन्ड म्यूजिशियन रहे हैं, तो इसको याद रखिए। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं गाइस। खारवेला है, जैसे कि आप सबको पता है गाइस, ये कलिंग के क्या थे, राजा थे कलिंग, और इनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा
अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है गाइस। एंड ये जो हाथी गुफा अभिलेख से इनका गंधर्व म्यूजिक में ये काफी फेमस रहे हैं, तो प्लीज इसको सब लोग याद रखिए। एवरीवन, हर्षवर्धन है गाइस, ठीक है। तो ये आपके पुष्यभूति डायनेस्टी के रहे हैं और वर्धन डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं गाइस, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा रहे हैं और वर्धन डायनेस्टी से भी ये वर्धन वंश है उससे ही बिलोंग करते थे। तो प्लीज आप सब लोग इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद में आपका है गाइस रुद्रादामन। रुद्रादामन की हम बात जब करते हैं तो रुद्रादामन है गाइस, ये रुद्रादामन वाज अ सका रूलर फ्रॉम द वेस्टर्न छत्रपाल डायनेस्टीज, ठीक है। तो रुद्रादामन का जो हमें जानकारी मिलती है वो आपका जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, ओके। उसके बाद में आते हैं आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हैं गाइस, ये आपके गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट सिग्निफिकेंट रूलर होते हैं। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखना है, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं गाइस। और जो इनका जो पर्याप्त प्रशस्ति है ना, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है गाइस, वहां से इनके हाथ में जो वीणा है ना, वीणा इनके हाथ में दिखाई गई है। इनके जो सिक्के वगैरह हैं वो भी हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि जो समुद्रगुप्त हैं वो भी म्यूजिशियन थे। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है सबको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्तूप के बारे में सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्तूपा, ए बी सी या डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुने। बुद्धा हैज एंजॉयड द इरेक्शन ऑफ द स्तूपाज ओवर हिज एसेस, द कस्टम ऑफ रियरिंग स्तूपाज वाज प्री बुद्धिस्ट, द जैनाज आल्सो इरेक्टेड दिस फॉर्म ऑफ मेमोरियल इन द अर्ली टाइम्स, द एक्सटेंट धमेका स्तूप ऑफ सारनाथ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। 15 सेकेंड, करेक्ट आंसर बताना है ना? इसमें ये बताना है कि इसमें से ट्रू कौन से हैं, इसमें से आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। बताएं सब लोग जल्दी से। सो बी, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये आंसर क्या है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है गाइस। तो प्लीज इसको याद रखिए, टू इज द करेक्ट आंसर, आंसर टू। उसके बाद में यहां पे जो गलत है वो क्या है गाइस, यहां पे जो धमेक स्तूप नहीं है, यहां पे जो स्तूप है वो है सांची का। सांची का स्तूप, तो इसलिए आपका जो डी वाला है वो आपका गलत हो जाएगा, बाकी बी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग इसको याद रखें। सर सी ऑप्शन समझा दीजिए। देखो इन द इनिशियल फॉर्म हम देखें तो जैन है
उन्होंने भी स्तूप बनाए हैं गाइस, इसके अवशेष आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम जैन की बात करते हैं गाइस, तो बोला जाता है कि इनिशियल टाइम पे जो जैनिज्म है उसमें भी स्तूप बनाए गए थे। तो जैनिज्म स्तूप बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का क्या है आपका पाठ है गाइस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी तो मथुरा में इसका अवशेष मिलता है। मथुरा का जो स्तूप है वो इसका उदाहरण है गाइस, ठीक है। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखिए और भूलना नहीं है गाइस। तो जैन एंड बौद्ध दोनों में आपका क्या है, जैन और बौद्ध दोनों में आपका स्तूप के उदाहरण मिलते हैं गाइस। नाउ द नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सेलिब्रेटेड रिवर सिंधु वर लोकेटेड इन अफगानिस्तान, हरित, उबा, कुरुमु, वितास्ता। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द सही विकल्प को चुनिए। 15 सेकेंड आपके पास में है, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी बतानी है, सिंपल सा गाइस। इंडस रिवर की क्या बतानी है आपको, ट्रिब्यूटरी बतानी है। ये आपको क्या दिए, ओल्ड नेम दिए होंगे। इस बार 2020 के पेपर में इसको घुमा फिरा के आपका पूछा गया था इस क्वेश्चन को, 2019 में भी पूछा है आपसे रिवर से क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि एंशियंट रिवर वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया है, 2020 में भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 3। आंसर इज 3। तो ए बी एंड सी, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज इसको याद रखिए। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वितास्ता रिवर कहां पे है। तो गाइज आप देख लीजिए, वितास्ता किसका नाम है, झेलम का, ठीक है, वितास्ता। अब झेलम रिवर कहां पे बैठती है ये आपको पता होना चाहिए गाइज। तो देखो इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, एक तो आपका झेलम, रावी, ब्यास, सतलज एंड चिना, ये 5 रिवर है गाइज, ठीक है। इनमें से गाइज अफगानिस्तान में कौन सी बहती है ये आपको बताना था। अब यहां पे आप देखेंगे तो जो वितास्ता है वो क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं मानी जाती गाइस। तो यहां पे हरिरुत, कुंभा एंड कुरुमु ये आपकी ट्रिब्यूटरी है अफगानिस्तान में इंडस की, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिए सब लोग, है ना। और झेलम जो रिवर है उसका नाम है आपका वितास्ता, तो इसको जरूर याद रखिए सब लोग, भूलना नहीं है गाइस। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको जरूर याद रख लीजिए सब लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज सब लोग, एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। झेलम का वितास्ता नाम है, ठीक है, चेनाब है अश्किनी, रावी को बोलते हैं परुशनी, ब्यास को बोलते हैं विपासा एंड सतलज को बोलते हैं सतुदरी। बाकी ये बाकी रिवर है इनका भी आपको पता होना चाहिए नाम, लेकिन मेन आपकी ये है। 2019 में भी एक प्रश्न पूछा गया है यहां से, 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया है, 19-20 में दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, मेगस्थनीज ओरिजिनल रिकॉर्ड अबाउट इंडिया इज लॉस्ट, सम ऑफ इट्स मेमोरीज आर प्रिजर्व्ड इन द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अरियन, डियोडोरस, हेलियोडोरस
हेरोडोटस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनें। ए बी डी, बी सी डी, ए एन डी, ए एन बी। 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा सब लोग? सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, ये क्वेश्चन आज ही मैंने आपको मॉर्निंग वाली स्पेशल क्लास में करवाया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। उसमें ऑप्शंस आपके ज्यादा थे, इसमें ऑप्शंस आपके 4 हैं सिर्फ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, ए एन बी। क्लियर एवरीवन? सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है डी। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी हमने कर ली है। नेक्स्ट, जो 7:30 वाली क्लासेस हैं गाइस, आज ही हमने किया था ये सारे के सारे टॉपिक, मौर्य साम्राज्य के सोर्सेस, मौर्य साम्राज्य की स्रोत। तो अगर जिसने भी नहीं देखी है वो क्लासेस, आप 7:30 PM वाली स्पेशल क्लास उनको देखिएगा, मैंने आपको थ्योरी करवाई थी। नाउ द नेक्स्ट 45, इन द एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ द चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड, इट्स कंपोजर रवि कीर्ति डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज एन इक्वल बाणभट्ट, भाष, भारवी और कालिदास। बताइए सब लोग, बात हो रही है इसकी रवि कीर्ति की। उसने एहोल इंस्क्रिप्शन है उसकी रचना की। अब आपको यह बताना है कि उसने अपने आप को किसके समकक्ष बताया, ये आपको बताना है। तो बताइए सब लोग मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एवरीवन। सो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी एंड डी, भारवी एंड कालिदास, ठीक है। रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समकक्ष बताया, भारवी एवं कालिदास। सो आंसर इज 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, और एहोल कहां पे है, एहोल आपका कर्नाटक में है, ये जरूर याद रखना। एहोल कहां पे है, कर्नाटक। एक चीज एहोल की याद रखना गाइस, एहोल 70 टेंपल्स का ग्रुप है, टेंपल 70, मोर देन 70 टेंपल, मोर देन 70 टेंपल एक ही जगह पे आपको मिलते हैं एहोल में, तो ये चीज भी जरूर याद रखना है। नेक्स्ट 46, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ इंडिया हैज बीन डिवोटेड ऑफ शिवा, डिवोटी ऑफ शिवा, हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद्रा या चंद्रगुप्त सेकंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए। हर्षवर्धन, भोज परमारा, गोविंद चंद्र गहदबला या चंद्रगुप्त सेकंड। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ इंडिया हैज बीन डिवोटीज ऑफ शिवा, हर्षवर्धन, भोज परमारा, गोविंद चंद्र गहदबला, चंद्रगुप्त सेकंड। ई एन बी ओनली, बी एन सी, ए बी सी या बी सी एन टी।
बताइए जी, सब लोग आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? और इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर है गाइज, वो है आपका थ्री। थ्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए बी एंड सी, हर्षवर्धन, भोज परमार और गोविंद चंद्र गैंडवाला। ये तीन हैं इसके करेक्ट आंसर, तो सब लोग इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब चंद्रगुप्त सेकंड है गाइस, ये किस कौन से देव को मानता था, कौन से इनके भगवान को मानता था, ये बताओ मुझे। बताइए। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो हर्षवर्धन है ना, तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और बाणभट्ट इनके कोर्ट पोएट हैं, है ना। हेनसांग है, वो इनके कोर्ट में आते हैं, और ये पहले तो भगवान शिव को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था गाइस, तो प्लीज इसको सब लोग याद रखना। हर्षवर्धन की हम बात करते हैं गाइस, पहले ये भगवान शिव को मानते थे और बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, हर्षवर्धन। उसके बाद में हम परमार की बात करते हैं, राजा भोज की गाइस, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने भोपाल में भोज राजेश्वर एक टेम्पल बनाया, जो कि एक भगवान शिव का मंदिर है। तो इससे भी हमें क्या पता लगा, आपका, कि ये भगवान शिव के मानने वाले हैं। गोविंद चंद्र हैं गाइस, ये गैधवला डायनेस्टी के हैं आपके, और इनके भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि इन्होंने एक भगवान शिव को बनवाया था, भगवान शिव का मंदिर बनवाया था इन्होंने, शिव मंदिर, और बाद में इल्तुतमिश के द्वारा ये मंदिर तोड़ दिया जाता है। तो गोविंदचंद्र भी होंगे, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना है ना। तो भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो आप किससे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप चंद्रगुप्त से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो, तो प्लीज इसको सब लोग याद रखिए, इसको भूलना नहीं है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वैसे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्टी सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणास इंक्लूडेड बुद्धा इन द लिस्ट ऑफ अवतार ऑफ विष्णु। निम्नलिखित में से किस पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में शामिल किया गया है? अग्नि, भगवत, मत्स्य, वायु। पंद्रह सेकेंड, चलो इसका आंसर दीजिए आप सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणास इंक्लूडेड बुद्धा इन द लिस्ट ऑफ अवतारास ऑफ विष्णु? अग्नि, भगवता, मत्स्या या वायु। ई एन बी ओनली, सी एन डी, ए बी सी या ए बी सी डी, करेक्ट आंसर बताओ सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणास इंक्लूडेड बुद्धा इन द लिस्ट ऑफ अवतार्स ऑफ विष्णु? ए बी सी या डी। और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है थ्री। थ्री इज द करेक्ट आंसर, सी एंड डी, मत्स्य एंड वायु। मत्स्य एंड वायु पुराण में, है ना, बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है गाइस, महात्मा जो बुद्ध हैं, मत्स्य एंड वायु पुराण में बुद्ध को, ठीक है, महात्मा बुद्ध हैं गाइस, उनको क्या माना गया है, विष्णु का अवतार माना गया है। तो प्लीज इसको याद रखें, टू इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट ओके, एक चीज और याद रखनी है गाइस, टोटल हम पुरानों की बात करें तो आपके 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं आपके? 18 पुराण। शायद बी ऑप्शन में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओ आई एम सॉरी, सो सॉरी। एक बार देखिए, इसमें आपका सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट, जस्ट वेट, एक सेकंड वेट कीजिए। ये थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन है वो ठीक है। यहां पे देखिए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है गाइस, है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 है गाइस, ठीक है। ए बी एंड सी वायु पुराण में नहीं है ये, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए सब लोग। एवरीवन प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, प्लीज इसको करेक्ट करें, इसको सब लोग करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए बी एंड सी, वायु पुराण नहीं है, ठीक है। वायु पुराण नहीं है, प्लीज इसको करेक्ट कर लें आप सब लोग। अग्नि, भगवत एंड मत्स्य, इसको करेक्ट कर लीजिए। वायु पुराण नहीं है, एवरीवन एंड सॉरी, सो सॉरी, है ना। अब सब लोग इसको करेक्ट करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो वायु पुराण है आपका, है ना, वायु पुराण में गई सैव लिटरेचर दिया है आपका, है ना, और बुद्ध है वो उसकी लिस्ट में नहीं है, तो प्लीज इसको याद रखें। वायु पुराण में है शैव धर्म के बारे में दिया है आपका, शैव धर्म के बारे में, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। बाकी जो मत्स्य पुराण है इसमें भी आपका दिया है, भगवत पुराण में भी आपका दिया है, और आपका अग्नि में भी दिया है। ओके, यहां पे शिव धर्म के बारे में है वायु पुराण में, इसलिए नहीं हो पाता इसका। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। अशोकन रोक एडिक कंटेनिंग 14 प्रोक्लेमेशन हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? इरागुडी, राजूला, मंदागिरी, मास्की, सनानाती। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनिए आप। ए एन बी, सी एन डी, ए एन सी या ए एन डी। 15 सेकेंड है और 15 सेकेंड में आंसर दीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? अशोकन रोक एडिक्ट कंटेनिंग 14 प्रोक्लेमेशन हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट? सो करेक्ट आंसर, ऋचा त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि सर बैच के बारे में बात करनी है, नंबर मिल सकते हैं क्या प्लीज रिप्लाई में। ऋचा त्रिपाठी जी, आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप बता सकते हैं, ओके। और आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज एक बार आप बता दीजिए सब लोग। कोई किसी को भी बैच के बारे में जानना है तो प्लीज आप बता दें। बैच जो आपके स्टार्ट हैं वो आज से ही स्टार्ट हुआ है आपका नया बैच, ठीक है, यानी आज से ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है। टुडे इटसेल्फ 10 बजे आपकी क्लासेस होती हैं डेली। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं आप,
टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो हमारा है उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 है, 4 इज द करेक्ट आंसर, ए एंड डी। देखो ये बहुत सिंपल सा है गाइस, यहां से आपको कुछ नहीं करना। अशोक के एडिक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए आपको, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो आज सुबह वाली जो क्लास हुई थी 7:30 वाली उसमें मैंने आपको ये करवाए हैं। 7:30 वाली जो स्पेशल क्लास हुई थी, 7:30 वाली जो स्पेशल क्लास हुई थी उसमें मैंने ये सारी की सारी विद लोकेशन करवाई हैं आपको, विद लोकेशन ये करवाई हैं, तो आप सब लोग इसको कर सकते हैं। अब किसी को 47 क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं आपको। 47 क्वेश्चन में अग्नि, भगवत और मत्स्य पुराण में आपका क्या दिया है, विष्णु के अवतारों के बारे में दिया, विष्णु के अवतार। लेकिन आपका जो वायु पुराण है उसमें शिव के अवतार के बारे में दिया है। शिव के अवतार के बारे में दिया है, तो इसलिए जो आपका जो रोंग आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, वायु पुराण इसमें नहीं है। ठीक है, यही था आपका 47 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आर करेक्ट, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आर करेक्ट, ही न्यू हाउ टू से हिज प्रेयर बट ही नेवर फास्टेड, ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ही एनकरेज नोबल्स टू मैरी एज मच दे विश, ही एग्रीड विद उलेमा टू रन द स्टेट एज पर द शरीयत, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आर करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन हैं जो ठीक हैं। वन, टू, थ्री या फोर, चलो आंसर क्या है आपका, टू, टू इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पे वो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, देखो यहां पे जो डी ऑप्शन है वो आपका कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उलेमाओं की बात नहीं मानी थी, है ना, उसने वो असहमत था गाइस, और ये काफी बार ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उलेमाओं से सहमत नहीं था, गलत। ही एनकरेज नोबल्स टू मैरी एज मच दे कैन, नहीं, ये भी उसने बैन कर दिया था गाइस। हाँ, ड्रिंक को उसने प्रोहिबिट कर दिया था गाइस, है ना, ठीक है, और उसने कभी उपवास नहीं किया, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, ठीक है, ये दोनों लास्ट वाले आपके क्या हैं, गलत है। उलेमाओं की वो बात नहीं मानता था, है ना, खुद को वो सिकंदर सहानी बोलता था, अली गुरशप उसका नाम था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए एवरीवन, है ना, उसका नाम क्या था, अली गुरशप, 1296 में गद्दी पे बैठता है और 1216 तक लगभग वो गद्दी पे रहता है गाइस, है ना, तो 20 साल का इसका कार्यकाल होता है, अली गुरशप है इसका नाम होता है बचपन का, है ना, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उसको मार के गद्दी पे बैठ जाता है गाइस, है ना, और उसके टाइम पे काफी आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है, और उसने क्या किया कि शराब बंदी की, उसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, और उसने बोला कि प्राइवेट पार्टी बंद करो, है ना, मैरिज अलाइंसेस हैं वो भी उसने बंद करवा दिए थे गाइस, एक स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सिस्टम है वो उसने लगा दिया था,
ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिए गए थे। सोली 1316, ओके है ना, 1296 से 1316 ED तक, तो इसको याद रखो। नेक्स्ट 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वर प्रोड्यूस बाय द अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं हैं? हस बिहिस्ट, मताला उल अनवर, क्वाइजिन उल फुतुहा, नूसिपिर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 15 सेकेंड और 15 सेकेंड में आंसर करें सब लोग, क्या होगा इसका सही उत्तर? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के द्वारा इनमें से कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं? हस बिहिस, मताला उल अनवर, कजाइन उल फुतुहा, नूसिफिर, ए बी सी या डी? बताइए करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3, सारे के सारे ओल्ड, जितनी भी हैं हस बिहिस्ट है ना, मताला उल अनवरी, कुजैन उल फतुहा एंड नूसिपिर, ये सारी की सारी आपकी किसकी रचनाएं हैं? ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। कैसे अमीर खुसरो क्या है, एक कवि है, एक इतिहासकार है ना, और इन्होंने लगभग ऐसा बताया जाता है कि 7 से 8 सुल्तानों का क्या देखा था इन्होंने, कार्यकाल देखा है, 7 से 8 सुल्तानों का कार्यकाल इनके द्वारा देखा गया है। और उनमें कौन कौन से हैं, एक तो बलबन, मोहम्मद बिन कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक है ना, इसको सब में है। और ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है गाइस कि और मतलब कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, मतलब किसके डिसाइपल थे वे, तो ओलिया के शिष्य थे गाइस, ये जरूर याद रखना है, ओलिया के शिष्य। तो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, वो शिष्य हैं। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50 पर, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे? विच अमोंग हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द पेंटर्स ऑफ शाहजहां, मोहम्मद नादिर शाह समरकंदी, अबू समत, मीर हसीन और मीर सैयद अली। देखो आपको मैं एक तो आपको अकबर के चित्रकार के पता होना चाहिए, हुमायूं के पता होना चाहिए आपको, आपको जहांगीर के चित्रकार पता होना चाहिए एंड आपको शाहजहां के चित्रकार पता होना चाहिए। तो प्लीज सब लोग इन चारों रूलर्स के चित्रकार हैं वो कल लर्न करके आएंगे, क्योंकि बैक टू बैक ईयर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? और इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है आपका 4, ए और सी, अब्दुल नादिर समरकंदी एंड मीर सैयद अली। अबू समत किसके हैं बताइए, अबू समत किसके हैं, अबू समत से ही आप इस आंसर को निकाल सकते थे, अबू समत किसके हैं? चलो है ना, तो प्लीज इसको याद रखना है। देखो शाहजहां के टाइम के जो फेमस पेंटर हैं उनके नाम प्लीज आप लिख लीजिए यहां पे, आपके नोट्स में एड ऑन कर लो, शाहजहां के चित्रकार कौन
कौन कौन से हैं? एक तो फकीर उल्ला, मीर हसीम, मुरार, हुनार, मोहम्मद नादिर, समरकंदी एंड चित्रा। ये क्या है? शाहजहाँ के चित्रकार हैं गाइस। तो प्लीज सब लोग इसको याद रखें, है ना, और भूलिएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको जरूर याद रख लो सब लोग, है ना। अबू समद के बारे में मैंने बताया है गाइज आपको, ऑलरेडी बताया, हुमायूं के हैं ये, है ना, हुमायूं के टाइम के किस समय चित्रकार। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जामी मॉस्की ऑफ गुलबर्गा आर करेक्ट? द इंडियन एंड इरानियन एलिमेंट्स आर सो इंटरवीन्ड इन इट एज टू बी डिस इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। द होल स्ट्रक्चर इज अ वास्ट पिलर्ड हॉल कवर्ड बाई अ रूफ, देर इज अ ओपन कोर्टयार्ड इन इट, द एंटायर रूफ इज कवर्ड बाई अ स्मॉल डोम्स अरेंज इन 7 रोज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 15 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जामी मॉस्की ऑफ गुलबर्गा आर करेक्ट? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका 2, ए, बी एंड डी, ठीक है। ओपन कोर्टयार्ड नहीं है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ठीक हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करते हैं गाइस, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट हैं और 15 मिनट में हमें 7-8 क्वेश्चन करने हैं, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा जल्दी कीजिए और हम थोड़ा सा आंसर्स को कम डिस्कस करते हैं, है ना। आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास 15 मिनट है और 15 मिनट में हमें 7 से 8 क्वेश्चन करने हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और ये ऑफिसर है, प्रशासनिक इकाई और उनके अफसर, सूबा, परगना, सरकार, वतन। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। सूबा, परगना, सरकार, वतन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है, तो बता दीजिए सब लोग आंसर क्या होगा आपका। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। देख लीजिए, सूबा का तरफदार एंड सरकार का फौजदार, सरदार एंड वतनदार, ये दोनों आपके क्या हैं, रोंग हैं, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। सूबा किसके द्वारा हेड किया जाता था? तरफदार के द्वारा, जिसका काम क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्शन। सरकार फौजदार होता था, ठीक है। परगना का जो होता था गाइस, है ना, तो इसका जो ऑफिसर होता था वो दीवान बेसिकली होता था, इसको याद रखना है। उसके बाद वतन है, वतन है वो छोटी जागीर, वतन तो हमने पढ़ लिया है गाइस, वतन जागीर, ठीक है। तो ये जागीरदार होते थे, वो इसके हेड होते थे, जागीरदार। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द मुगल एक्सपीडिशन इन टू द बल्क एंड बदख्शां? चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए। There was a proclaimed desire on the part of Mughal emperor to recover their ancestral lands. Shahjahan wanted to punish Nazar Muhammad, to the ruler of Balk and Badakhshan, who had an eye on the Kabul. Shahjahan wanted to enthrone Prince Dara Shikoh as an independent ruler of Balk. Shahjahan desired to assign Badakhshan in Jagir to Prince Aurangzeb. 15 सेकेंड, आंसर करें सब लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ई, 1, 2, 3 या 4? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए, सही आंसर चयन करना, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिटेल्स का इस बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आपका टाइम कम है, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेट्समैन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकबर्स मिनिस्टर्स, अकबर मिंटर है ये गाइस, ठीक है, अकबर मिंटर, ठीक है ये अकबर मिंटर। वर केयरफुल टू मेंटेन अ हाई क्वालिटी कॉइन इन ईच ऑफ द 3 मेटल्स। गोल्ड वाज नियरली प्योर, सिल्वर नेवर ड्रॉप बिलो 96% एंड कॉपर कॉइन रिमेन्ड अ हाई प्योरिटी। देयर वाज अ फ्री और ओपन मिंटिंग सिस्टम। इन 1595 देयर वाज अ टोटल 96 मिंट। करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ए बी सी एट। अकबर मिनिस्टर वर केयरफुल टू मेंटेन अ हाई क्वालिटी कॉइनेज इन ईच ऑफ द 3 मेटल्स। आपके पास में चार स्टेटमेंट है, बताइए। सो द वेरी करेक्ट आंसर, इसका जो सही उत्तर है गाइज वो है आपका 2, ए बी एन सी, ए बी एन सी इज द करेक्ट आंसर। डी वाला ऑप्शन है वो गलत है गाइस, है ना। तो यहाँ पे क्या गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 96 नहीं है आपकी, ठीक है, ये वाला गलत ऑप्शन हो जाता है। कितनी है आपकी? 60 60 टकसाल थी, इसलिए आपका गलत हो गया। 60 टकसाल थी। टकसाल क्या होती है गाइस? टकसाल क्या होती है? जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं आपके। टकसाल किसको बोलते हैं? जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के बनाने की फैक्ट्री। उसको बोलते हैं टकसाल। अब द नेक्स्ट, कासिम खान वाज चूजन टू बी सुपरिटेंडेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ आगरा फोर्ट बिकॉज हिज रेपुटेशन ऑफ अ मिलिट्री इंजीनियर एज वेल एज बिल्डर। ही वाज लेटर मेड द गवर्नर ऑफ आगरा फोर्ट। फादर मोंसरेट कमेंट दैट ही वाज रेज्ड टू दैट एक्सल्टेड डिग्निटी फ्रॉम हम्बल पोजिशन टू अ सेपर। इन 1583 अकबर अपॉइंटेड 8 पीपल टू लुक आफ्टर द रॉयल बिल्डिंग जॉइंटली, वन ऑफ हुम वाज कासिम खान। आपको सही आंसर चेंज करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15 सेकेंड,
गाइज एक बार आप सब लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, आज काफ़ी लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। एक बार फटाफट से लाइक करें और एक बार शेयर कीजिए एवरीवन, ठीक है? एवरीवन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन, फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए आप सब लोग, जिससे और लोग भी हमसे जुड़ पाए। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है टू, ए बी एन सी, ए बी एन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मीर समन एंड खाने समन, उसको रॉयल बिल्डिंग का जिम्मा सौंपा गया था लेकिन उसमें कासिम खान नहीं थे, है ना? तो ये वाला गलत है, बाकी फर्स्ट ए एन बी एन सी ये ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू। बाकी जो क्वेश्चंस हैं गाइस वो बच गए हैं हमारे, शायद नहीं हो पाएंगे, अभी टाइम हो गया है, तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के लिए इतना ही है। अगर आपको सेशन पसंद आया है गाइस तो एक बार आप सब लोग लाइक कर दीजिए इसको, और एक बार आप सब लोग इसको सेव भी कर दें। उसके बाद 7:30 बजे आपकी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे, तो आप सब लोग इन क्लासेस को लीजिए, स्पेशल क्लासेस को। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू बैच है गाइस वो स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको भी अच्छे से तैयारी करनी है न्यू बैच को भी ज्वाइन कर सकता है। 10 बजे आपकी क्लास होती है, और जब न्यू बैच को आप ज्वाइन करेंगे तो रेफरल कोड शिव10 है, उसको लगा लीजिए जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है? तो 12 मंथ की फीस है 14,500, रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो 13,050 आपकी फीस हो जाएगी इसमें। आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं 12 मंथ, 26,000 फीस है, रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो 23,400। उसके बाद में आपका बेनिफिट्स क्या है आई प्लस एंड आइकोनिक के? देखो आइकोनिक में तो ज़्यादा फायदा है क्योंकि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, एसओपीज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल, ये सब आपको मिलता है। और ये आपके बैच कोर्सेज हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। अगर आपको कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है इस वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमें बता सकते हैं। उसके बाद में आपकी स्पेशल क्लासेस जरूर लीजिए गाइस, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स है, रेज़ अ हैंड फीचर है, नेवर मिस अ क्लास फीचर है, लेक्चरर नोट्स हैं एनी टाइम एनीवेयर, यानी आपको कहीं भी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी स्पेशल क्लासेस हैं, तो सब लोग इनको लीजिए गाइस, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। 4 PM पे आपका पेपर 1 का होता है, 7:30 बजे आपका पेपर 2 की क्लासेस होती है, तो इन क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड कीजिए सब। उसके बाद में ये मेरा शेड्यूल है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो इनको लगा आप फॉलो कीजिए, ठीक है? और उसके बाद में गाइस अनलॉक कोड मेरा शिव10 है, जो मेरा रेफरल कोड है वही अनलॉक कोड है, तो क्लास ज्वाइन करने से पहले इस कोड को लगा के आप सारी के सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। ये प्रोफाइल है अनअकैडमी का, अगर फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज बाकी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। और अगर पसंद आया गाइज तो एक बार लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।